आपकी मीडिया की माध्यम से ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतज़ामिया को सबसे पहले रामसू ए कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतज़ामिया ने इन पसमंदा और पहाड़ी इलाकों के साथ जो इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं उनको भी अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। मेरा 1985 से नील चमलवास रोड, जिसमें काफ़ी सरकारें बदल गई, ज़्यादा समय नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा, कायमी और दायमी मकाम जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस रोड को आज तक मैकडमराइज नहीं किया, ना ही उसकी तरफ ध्यान दिया। वोट हर 5 साल के बाद गरीब लोगों को धोखा देकर हासिल करते रहे, लेकिन आज जो हमारे सामने हमारे लोगों ने जो मुझे नुमाइंदगी दी, उसके साथ साथ लॉकडाउन के बीच में मैंने दोनों रोड अल्हम्दुलिल्लाह नील चमलवास ज़राडी रोड बाटू तक 26 किलोमीटर, जिसमें 17 किलोमीटर आपका PMGSY ले गया और 7 किलोमीटर RNB PWD जो अभी 1 महीने के बाद मैग्नमराइज करेंगे। दूसरा गुगवनी बहरदार ज़राडी रोड, जिसमें 7 किलोमीटर PWD में आता है, 8 किलोमीटर उसमें भी मैग्नमराइज अभी 1 महीने के बाद होने जा रहा है। और जो प्रहेंदर ज़राडी रोड था PMGSY, जो 2006 से कोई नहीं देखता था, जबकि मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2014 तक चीफ मिनिस्टर थी, सदारत में थी, लेकिन टस से मस नहीं था। क्यों? उनको हर 5 साल के बाद अपने लोग, अपने गरीब लोग याद पड़ते थे। जो लॉकडाउन और जो रियासत जम्मू कश्मीर 370 से भी गया और 35A से भी गया, किसी भी मेरे रियासत जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडरों ने आज तक बात नहीं की, जो रियासत जम्मू कश्मीर को ताज के मानन, दोनों मुल्कों का ताज था रियासत जम्मू कश्मीर, लेकिन DDC होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, एक शहरी होने के नाते, मैं खुल के आपकी माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया और रियासत इंतज़ामिया इस तरफ आऊँगा, क्योंकि लॉकडाउन रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर था, किसी भी मेरे लीडर ने, किसी भी DDC मेंबर ने अपने बेरोजगार नौजवान और राशन न मिलने की वजह से, हगना काम मिलने की वजह से दरमंदा लोग रहे, बिजली की बिल बराबर आई, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, और विदाउट पानी की स्कीमें जो है, विदाउट फिल्टर हमारे 90% लोग पानी पीते हैं, लेकिन किसी भी DDC, किसी भी सरपंच ने, किसी भी BDC मेंबर ने गवारा नहीं किया वोट हासिल करने के बाद। मैं उन लोगों को जगाना चाहता हूं आपकी माध्यम से, यहां 4 लाइन की बात हो या मेरी रूरल एरियाज की स्टोरों की बात हो या आधार लिंक की बात हो, मैं DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा एक फूड महकमा है जो कैरेज इन पहाड़ों को आज भी देता है, कहीं 700 कहीं 600, लेकिन मेरी एक अपील रहेगी गवर्नर इंतजामिया को, हमें अपना ही जो करप्शन हुआ है वही वापस करें। आप अगर नहीं भी दोगे पैसा, 96 करोड़ जिला रामबन में रूरल एरियाज का कैरेज आज तक है। मैंने AD फूड साहब से बात की, मैंने TSO बानहाल से बात की, मैंने DC साहब से बात की, मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी फूड से बात की, मैंने डायरेक्टर फूड से बात की, मैंने फारूक अहमद खान जो एडवाइज़र हैं जम्मू कश्मीर के, बागडोर संभाले हुए हैं, मैंने उनको भी बात की। मैंने कहा अगर हमें, आप कुछ भी नहीं दोगे लेकिन जस्टिस तो हमें चाहिए, अगर वही कांटे चुभेंगे जो 1947 से आज तक चुभते रहे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक DDC मेंबर के होने के नाते बिजली की बिल आपने कोई कैटेगरी नहीं बनाई जिला रामबन में, या ST भी है, या OBC भी है, यहाँ विडो भी है, या सीनियर सिटीजन भी है। 375 बिजली जले नहीं जले, लेकिन 375 आना है। मैंने महकमा PDD से, एक्शन साहब से, चीफ इंजीनियर से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD से बात की कि यहाँ गरीब लोग रहते हैं और इसकी कैटेगरी बनाया जाए। बदनसीब है रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम और यहाँ के लीडर, हैरानगी की बात है,
मैं दिल्ली में रहा हूँ एज सुपरवाइजर ऑल काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, लेकिन दिल्ली में दो भैंसों के लिए पानी नहीं, तो वहां का चीफ मिनिस्टर पानी फ्री दे रहा 2 करोड़ को। मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो लीडर, जो सरपंच, जो वार्ड मेंबर, जो असली शहरी हो, वो दूसरे की मदद करेगा तो उसका नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आम आदमी की तरफ रियासत जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों को देखना चाहिए। ये 20 प्रोजेक्ट हमारे नेशनल है, आज जम्मू कश्मीर के लोग तड़पते हैं, उन्हें तो बिजली चाहिए थी। फारूक साहब, उमर साहब, फलानी साहब, आपने तो सारा दे दिया दिल्ली वालों को, या अंधेरे, अब क्या दीड़ी लाएंगे लोग, पढ़ेंगे कैसे, कॉलेज बंद। मैं यहाँ की तरफ आऊँगा, रूलर एरियाज में है, 70 साल से कोई मैकडम नहीं हुआ, क्या आज़ादी थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी, क्या हुकूमत भीख मांगने आती थी हमारे माओ बहनों के पास। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।